वर्दी पहनने वाला था, कपड़े नहीं पहन लिया, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके। लेकिन कल सड़क दुर्घटना में उन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। माँ या बाप दोनों शरीर तक के बेदी है। दोनों का उम्र क्या रहा होगा चाचा जी? बड़का के 27 और छोटका के 22। पूरा गांव के एकदम टूट के चल गए थे। कभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के भमौरा गांव में। कल दोपहर भमौरा गांव में एक आफत आया और उस आफत में एक ही घर के दो संतान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। बताया जाता है कि एक बच्चा अपने नानी घर सरबाधा गया था, उसका तबीयत खराब था और उसका जो भाई था सरबाधा से उसको लाने के लिए गया था भमौरा गाँव से सरबाधा, और उधर से वापसी के दौरान सिमराव का एक जगह है वहाँ पे अनियंत्रित बस ने दोनों बच्चों को टक्कर मार दी और घटनास्थल पे ही एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरे बच्चे की मौत वहाँ के एक बगल के अस्पताल में इलाज के दौरान उसका मौत हो गया। और यहाँ पे उनके मर्माहित परिजन है। बताया जाता है कि उनके दो संतान थे और एक बच्ची थी। एक बच्ची का शादी पूर्व में हो चुका है लेकिन जो दो बच्चे थे दोनों बिहार पुलिस का तैयारी करते थे। एक का किसी चीज़ में रिजल्ट हुआ भी था। सब लोग इंतज़ार में थे कि हमारा बच्चा वर्दी पहनेगा, लेकिन उनका बच्चा वर्दी तो नहीं पहना लेकिन कफन पहन करके इस दुनिया को अलविदा कहा गया। हमारे पीछे आप देख सकते होंगे दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जो दो संतान था वो कब आएगा, लेकिन अब वो आएगा नहीं। वो की महाकार पहुंचा करके पंडित जी आपको फोन किए कि ऐसा ऐसा घटना घटी। भैया हमको गेल थे खिदरसरा, वैसी वैसी आए, फिर यहाँ खबर हुआ, सब पूरा आदमी सब भमौरा के और चाहे सरबाधा के पूरा गांव के एकदम टूट के चल गए थे। करते क्या थे दोनों, लड़का क्या करते थे? पढ़े लिखे में लगे थे दोनों, पढ़ाई लिखाई का। हाँ जी। दोनों का उम्र क्या रहा होगा चाचा जी? बड़का के 27 और छोटका के 22। बड़ा लड़का का 27 साल उम्र था और छोटा का 22 साल उम्र था, मतलब कि एकदम युवक थे जी। पढ़ावे लिखावे के चलते हमारे बहन जीजा एकदम तबाह हुए, मतलब कि पूरा एकदम मन से पढ़ा रहे थे। मन से पढ़ा रहे थे। आप कौन है चाची? मामानी है लड़का। लड़का की मामानी है। सरबाहदा आप ही का घर? हाँ, घटना घट गया है तब मोबाइल देखा है पुलिस, तब उस मन ले करके और नंबर देख देख के सब अपना ही जहाँ तहाँ परिवार ही सब की फोन करा। मतलब कि दरोगा जी ही आप लोग को बताया और एक पंडित जी है जो हॉस्पिटल में। हाँ तो वही कहे तो हम लोग मने कि सब परिवार वहाँ से भी चल दिए, तब हम जाने हम लोग नानी घर से इस्लामपुर आ रहे थे उस दौरान घटना घटे है ना। हाँ वही दवाई लगे जा रहा था लेकर गांव में, मने कहा कि गुड्डू के धक्का लगे रोते कनते हमारा ही गिरखिन, हमारे मालिक तो चल गिरखिन, हम रह गिरी इनके देखे में, हम तो देखे नहीं, वो तो आईडा पर देख रही है। सब कोई मतलब कि नौकरी का पूरा तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन के बाद नौकरी हो जाता है। दुखद घटना और इस घटना के बारे में जितना भी क्या बोलते हैं कि कहा जाए वो कम है। दादा है इसी गांव के शायद रहने वाले हैं, क्या नाम है दादा? अयोध्या प्रसाद। अजो इसी गांव के रहने वाले ये पड़ोसी। हाँ अच्छा, पड़ोस के रहने वाले हैं। दोनों लड़का को तो बचपन से देखे होंगे दादा जी। हाँ। कैसा लड़का? लड़का बड़ा गंभीर था, पढ़ाई लिखाई सुर के सिवा दूसरा काम नहीं करता था। कोई बात ना, हमारे बेटे के साथ ही था लेकिन इतना गंभीर आदमी था, इतना गंभीर आवाज तक कि किसी दोनों बच्चा ने मुझसे शब्द बात कभी निकाला ना, ना किसी को नज़र उठा को देखा था। पढ़ाई छोड़ के सिवा दूसरा काम नहीं करता था। गुड्डू तो जरा खेती बाड़ी करता, बड़का जो दरोगा के जो निकाला था रिजल्ट वो तो बेचारा पौना रुपया आता दर्शन के लिए, दो चार महीने से बीमारी था घर से। हाँ मतलब कि पढ़ने लिखने में बहुत सब है था। दोनों बच्चा पढ़ाई में अपना इस शरीर दोनों प्राणी बेच दिया था। पढ़ाई लिखाई के चलते हैदराबाद कमाया, यहाँ खेती में कमाया लेकिन दूसरा रोजगार नहीं किया, पढ़ाई में किया। जो लड़का के पिताजी थे पढ़ाने के लिए अपना एक एक अपना माँ या बाप दोनों शरीर तक के बेच दिए, कमा कमा के उनका ही पढ़ाई में लगा दिए। सुन करके कैसा लगा होगा दादा? आप लोग कह नहीं सकते कहना, अब इतना लड़का कि जवाब में पूछिएगा कि कैसा बेचारे को लड़का था।
ये कहा कि पंचायत में भी हाँ एक मजदूर का लड़का बेचारा माए बाप कमा कमा के योग्यता पर आने के लिए जीवन व्यतीत कर दिए। पिताजी नून रोटी खाते थे लेकिन बच्चा को पढ़ाते। हाँ बच्चा कमाने के बेचारा बाहर कमाने योग्य नहीं था, जो 5 साल से पढ़ाई के चलते हैदराबाद में रहते थे। पहले लाठा चलाते थे, प्याज उपजाते थे, खेती में काम करते थे। अब नहीं, अब आठ समय तक हुआ कि हम बेटा के पढ़ावेंगे तो निकल गए थे। हाँ हैदराबाद दूसरे दूसरे जगह जा करके कमाते थे और बच्चे को पढ़ाते थे। हाँ आप कौन हैं चाचा जी? हम लोग बाहर घर है, यहाँ नहीं। कोई परिवार है आप? परिवार कौन लगते हैं गुड्डू के? हम चाचा लगते हैं। चाचा जी लगते हैं, सुन करके मरमाहत है, पूरा गांव पूरा जवार है ना जी। है ये सर ये कर सकते हैं, हमको उप मुखिया है, ये हमारा ये कुछ कर सकते हैं। अच्छा इस पंचायत के उप मुखिया आप हैं ना, कैसे पूरे घटनाक्रम को देखते हैं मुखिया जी? यह कर्म घटनाक्रम तो बहुत दुखदायक है, क्योंकि हम तो नित प्रतिदिन आने वाले हैं इस गांव में, जब भी मौका मिला चाहे सुबह या शाम कभी भी आ जाते हैं। लेकिन यह लड़का इतना सुशील था कि कहा ना जाए, हम लोग के भतीजा का रिश्ता था नहीं मारे, और बहुत पढ़ने में टैलेंटी था। हम लोग उम्मीद कर भी रहे थे, अनवेरा भी करते थे कि अभी बेटा वर्दी पहन के आना है, चल हाँ काका आएंगे। अब देखिए सब लोग को उम्मीद था कि पुलिस बन जाएगा, दरोगा बन जाएगा, निश्चित उम्मीद था। जब पेट निकाला ना सर, मेरा यही हौसला था कि कम से कम पड़ोस का वर्दी पहने ताकि मेरा गाँव का रोशन करे, ऐसा हम लोग उम्मीद रख लेते। और ताकि उसके सहारा से एक छोटा जो उसका भगवती था वो भी है, हम लोग का यही था कि मेरा गांव में कंपटीशन से कोई रिजल्ट नहीं लिया, लेकिन मेरा बाजू का मेरा पड़ोस का कंपटीशन से निकाल लिया। यही मेरा हौसला था कि मेरा गांव के रिकॉर्ड है या तो कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन यही हम लोग का अंदर हौसला रख लेते अंदर में। लेकिन अब क्या करें, जो वर्दी पहनने वाला था कपन फेल लिया, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके? मतलब कि दुख अपरंपार है पूरे जवान, बहुत ज़्यादा दुख है। अब तो इस घर का कौन रहा, मैंने पिताजी तो पूरा शरीर बेच दिए, पूरा जीवन। हाँ एकदम बेचारे बाहर रह रह के कि ताकि मेरा बेटा कुछ करे। इसके उपरांत भी अब तो ये अपना पूरा तन मन धन लगा ही दिया, वो भी चला गया। अब यही सब कुछ गया, तन गया, मन गया, धन गया, समय गया, सब सब चीज़ चला गया। अब इसके अलावा इसके तो कोई है नहीं सर, सिर्फ पति पत्नी, उसके अलावा तो कोई नहीं, बच्चा था संतान तो चलिए गया। इसके अलावा हम लोग को एहसास आ रहा है क्या करेंगे बेचारा, दोनों है संपत्ति इसका भोगने वाला, आगे कौन है? कोई तो जो था जो दोनों बच्चा था तो चले गया बेचारा, दुनिया से तो चले गया। वही हम लोग रात दिन यही टेंशन में है कि साथ में रहते थे हम जुल के, दो दिन पैकल हम लोग मजाक भी किए उससे कि धान पटा लो कि हाँ धान पटा, लेकिन कल 12 बजे के अंदर हम कहीं अलग से आए थे, घटना सुनी तब मैंने बहुत रात भरा सर, रात भर नींद नहीं आ रहा, ऐसा घटना सुनी अभी तक नहीं लग रहा हो कि कहीं से गुड्डू आएगा। दोनों लग रहा है कि उसको देख रहे हैं, लग रहा है आंखों से देख रहे हैं। और रात भर मेरे को यही चिंता लगा कि जो वर्दी पहनता दरोगा का पेट निकाल लिया था, मेंस भी निकालने वाला था, आज कफन पहन लिया, सबसे ज़्यादा यही हमको एहसास है। मेरा ये था ना सर कि कम से कम गांव में एक दरोगा बनेगा तो गांव का खुशहाली होगा। स्वाभाविक सी बात है, गांव में अगर कोई अफसर बनेगा, कोई अधिकारी पदाधिकारी बनेगा तो पूरे गाँव के साथ साथ पूरे जवार का नाम होगा। लेकिन वो दिन इस घर के लिए मतलब कि नहीं था। पीछे देखिए पूरे गांव के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि गुड्डू आएगा, दोनों भाई आएगा। लेकिन कल सड़क दुर्घटना में उन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव ही नहीं बल्कि पूरे जवार और पूरे ज़िले के लोग मर्माहित हैं। लोग बता रहे हैं कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था। और आप लोग अगर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आप लोग उसे हाथ जोड़ करके विनती है कि हेलमेट ज़रूर पहने। अगर हेलमेट वो दोनों पहने हुए होते तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन जो होना था उसको कौन टाल सकता है। बाकी इस घटना के ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।